स्वागत है गाइज एक और नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक फैट लॉस डाइट के ऊपर है, बजट डाइट के ऊपर है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता ज़्यादा खर्चा करने को बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, तो ये आपकी वीडियो है। इसमें बिल्कुल मिनिमल कम से कम खर्चा करके हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी करने की कोशिश किया मैंने इस डाइट में, ठीक है। तो इस डाइट को फॉलो कर लो, महीने का 2500 से 3000 रुपये खर्चा आने वाला है आपका, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाता है आपको कैसे आने वाले पहली मील की तरफ चलते हैं। गाइस अब टाइम है हमारी फर्स्ट मील का, तो हमारी जो पहली मील है इसे आप ब्रेकफास्ट बोल सकते हो सुबह के, ठीक है। तो वो है गाइस 4 अंडे उबले और 2 अंडों की ऑमलेट, मतलब टोटल ये 6 अंडे हो गए। अब अगर मैं बात करूँ गाइस इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स की, तो 4 और 6 36 ग्राम प्रोटीन और 2 ब्राउन ब्रेड के पीसीस भी ऑमलेट में, तो अराउंड 42 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको इस एक मील से मिल जाएगा। और अच्छी मात्रा में अंडे हैं, ओमेगास भी मिल जाएगा, क्योंकि जो ऑमलेट उसमें होल एग यूज़ किए गए हैं 2, और जो वाइट है उसमें वाइट रखे हैं 2 होल एग। अगर आप 6 अंडे खा रहे हो, मेरे हिसाब से 2 होल एग इनफ है आपके लिए, ठीक है। उसमें आपका सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। बस मेरा तो यही रूल है, अगर मैं 4 अंडे खा रहा हूँ तो मैं 2 के होल खाऊंगा और 2 वाइट खाऊंगा, 6 खा रहा हूँ तो 4 अंडों की वाइट खाऊंगा और 2 के होल खाऊंगा। 2 अंडों के जो गाइस होल है उससे आपको इनफ न्यूट्रिशन मिल जाता है जितना आपको अंडों से चाहिए, ओमेगास जो भी वगैरह है। ज़्यादा होल एग खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो हमें तो लीन रहना है, फैट लॉस की डाइट है सबको पता है। तो आप 6 अंडे ले सकते हो। अब गाइस 1 अंडे की कॉस्ट आपको 5 से 6 रुपये पड़ेगी अगर आप ट्रे खरीदते हो एक साथ। तो आप इसको बजट बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितने अंडे आप खाने खा सकते हो। जैसे मैं तो दिन के 10 अंडे तक भी जाता हूँ कभी कभी, जैसा कि आपको पता है मैं एथलीट हूँ, पावर लिफ्टिंग करता हूँ, मेरी तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है और हर इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग भी करता हूँ मैं। तो अगर एक नॉर्मल बंदे की बात करें जो स्टूडेंट है, जिम जा रहा है, उसे फिट रहना है, एब्स बनाने, श्रेडिड रहना है, तो वो दिन के 4 से 5 अंडे भी खा सकता है, ठीक है। 4 अंडे भी आपके लिए इनफ है और साथ में ऑमलेट भी बना सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारी पहली मील है, ये फैट लॉस की डाइट है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए कि कैलोरीज ज़्यादा हो जाए आपको एक मील से, इसलिए आप ऐसे ही खाना, ऐसे मैं बता रहा हूँ। 6 अंडे खा रहे हो तो 4 वाइट खा लो, 2 होल एग खा लो। और गाइस ट्रस्ट में ये जो मैं डाइट बताने वाला हूँ, कोई अगर नॉर्मल स्टूडेंट है जो जिम जा रहा है, उसने जिम शुरू किया है, या कोई बंदा नॉर्मल भी फिटनेस के लिए काफ़ी टाइम भी हो गया उसको, लेकिन वो जिम जाता है, उसे फिट रहना है, श्रेडिड रहना है, एब्स चाहिए मेरी तरह, श्रेडिड रहना है, तो उसको ये डाइट फॉलो करनी है। बस 60 किलो से लेके 75 किलो तक का बंदा ये आराम से पूरी डाइट फॉलो कर सकता है जो मैं बता रहा हूँ, और उसकी लीन बॉडी बनेगी, लीन मसल मास भी गेन होगा, श्रेडिड रहेगा, एब्स भी बनेंगे, ठीक है, एस्थेटिक बॉडी बनेगी। ये डाइट फॉलो करनी है बस आप। ये है हमारी नेक्स्ट मील जो कि है लंच। तो इसमें गाइस हम ले रहे हैं राजमा चावल, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, घर के बने हुए राजमा चावल, साथ में मैंने दही और छाछ लिया। वैसे अगर आप एक अच्छा फैट लॉस कर रहे हो तो आप दही और छाछ हटा सकते हो इसमें, ठीक है। वैसे एक कटोरी दही खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप फिर भी हटा सकते हो, ये डिपेंड करता है अपने अपने बॉडी टाइप पे भी। मेरा बॉडी टाइप गाइस ऐसा है कि मैं दही छाछ खा सकता हूँ, मेरे नहीं आता उससे इतना फैट, ठीक है। तो आप देख लेना अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग, आपको दही छाछ ऐड करना नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग एक टाइम, दिन के एक टाइम छाछ या दही ऐड करना चाहिए, इससे आपके पेट की गर्मी जो है वो निकल जाएगी और ठंडा रहेगा, एक्ने वैकने नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अगला मील गाइस राजमा चावल और दही और छाछ। इस मील से अराउंड 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा और साथ में एक अच्छे अमाउंट में कार्ब्स मिल जाएंगे, चावल हैं, ठीक है। तो ये मील खाता हूँ मैं, इसके बाद वाली जो मील है वो प्री वर्कआउट मील होने वाली है, फिर हम वर्कआउट कर जाएंगे, आज बैक का वर्कआउट है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। सो गाइस अभी प्री वर्कआउट मील की बारी है, तो इसमें ओवरनाइट ओट्स रहते हैं। अभी मैं ये मसल वेस के चॉकलेट वाले ओट्स आते हैं वो यूज़ कर रहा हूँ, हाई प्रोटीन ओट्स होते हैं, आप कोई भी नॉर्मल ओट्स यूज़ कर सकते हो। करना क्या, आपको ओट्स डालने हैं, ओट्स के बाद आपको अभी दिखाता हूँ मैं। सो गाइस चॉकलेट ओट्स के साथ मैंने इसमें थोड़े से नॉर्मल ओट्स भी डाल दिए, वाइट ओट्स, इसको मिक्स करके अब इसमें मैं डालूंगा 1 स्कूप वे प्रोटीन का। सो गाइस ओट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन का इन ओट्स में। तो ये पहली टाइम है जब हम वे प्रोटीन यूज़ करेंगे 1 स्कूप, ठीक है। और अगर आप सुबह जिम जाते हैं, ऐसे मैं इवनिंग जाता हूँ तो इवनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर आप सुबह जाते हो तो रात को प्रिपेयर करके सुबह खा सकते हो। और ये मील आप सुबह ब्रेकफास्ट की जगह प्री वर्कआउट में ले सकते हो, और वर्कआउट के बाद वो अंडे वाली मील स्टार्ट कर सकते हो अपने कंटिन्यू। अब गाइस इसमें लास्ट 2 चीज़ें डालेंगे हम, वो है दूध और थोड़ा सा पीनट बटर, और हमारी मील रेडी हो जाएगी। ये है हमारी प्री वर्कआउट मील, जैसे कि हमने बनाई थी अपनी ओट्स मील।
ये फ्रिज में रखने के बाद 3-4 घंटे के बाद ऐसे होती है, बहुत डिलीशियस लगती है। इसमें से आपको अराउंड 35 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले ही खाना, आराम से खाना, ठीक है? तो इसको खा के मैं आपको जिम में मिलता हूँ सीधा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits some loser shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger thirsty. इस वर्कआउट करने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील की बारी है अब, जो कि एक वे प्रोटीन 1 स्कूप, और इसके साथ गाइस जो डिनर रहेगा हमारा, एक तरह से लास्ट मील है वो सेम रिपीट रहेगा जो दिन में था, राजमा चावल। बस क्वांटिटी राजमा चावल की बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा मैं उसमें, और 100 ग्राम पनीर ऐड कर दूंगा प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। और रात को केसिन प्रोटीन लेना आपको पता है अच्छा होता है, जो पूरी रात आपको रिकवरी देता रहता है। तो यही थी गाइस बजट हमारी डाइट। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना बजट वाइज कम रख सकूं उतना कम रहे, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए और जितने भी लोग जिनका हार्ट टाइट रहता है वो अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर पाएँ। ट्रस्ट मी गाइस, इस डाइट को फॉलो करके 65 से 75 किलो के जितने भी लोग हो आराम से लीन मसल मास गेन कर सकते हो, श्रेडेड रह सकते हो सेम टाइम पे, ठीक है? तो इस डाइट को फॉलो करो, और मैं बता रहा हूँ इससे सस्ती डाइट नहीं पॉसिबल आपको मसल गेन करने के लिए, इतना खर्च करना ही पड़ेगा। और बस मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है? मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।